हेलो जी। तो आज है गणेश चतुर्थी एंड अभी हम थोड़ी देर में बाहर जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। एंड आई जस्ट टुक अ शावर अभी एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। तो लेट्स गो। पता है कॉलेज में रहने का बेस्ट पार्ट क्या होता है? यू रियली गेट टू सेलिब्रेट ईच एंड एवरी फेस्टिवल जो आपने कभी अपने घर में नहीं सेलिब्रेट किया होगा। जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट इतने अच्छे से नहीं की जाती है, बट यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। एंड मज़े की बात यह है कि इस बार मेरे बर्थडे वाले दिन गणेश चतुर्थी नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी था एंड मेरे सारे फ्रेंड्स घर चले गए थे। उसकी वजह से ना मैं अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पाई थी और ना ही गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर पाई थी। बट दिस ईयर हम सब साथ हैं तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे जल्दी से रेडी होना था क्योंकि 10 बजे तक हम लोग निकलने वाले थे एंड आई जस्ट हैड हाफ एन आवर। तो मैंने फटाफट से अपना सनस्क्रीन लगा लिया था एंड उसके बाद मैं अपने फेस के लिए ये स्पेशली सीबामेट का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ आजकल, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कोई भी मॉइस्चराइज़र सूट नहीं करता है, बट ये करंटली मेरा फेवरेट बन चुका है। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको लगा रही हूँ एंड इट इज़ अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा सूट करता है। उसके बाद आई जस्ट डिड माई बेसिक मेकअप, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में इतना ज़्यादा आपको तैयार होने को नहीं मिलता है, बट जब मिलता है तो उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होती हूँ जब भी फेस्टिवल्स होते हैं या जब भी कोई भी पार्टी वाला मूड होता है। तो प्लीज़ मुझे जज मत करना। हाँ एंड बस मुझे अपने बाल बनाने हैं एंड आई एम गुड टू गो। फाइनली इतनी मेहनत के बाद हम सब लोग तैयार हो गए थे और अब हम बाहर जा रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गणेश मंदिर क्योंकि हमें वहाँ पे पुष्पांजलि देनी है एंड उसके बाद फिर हम जाएंगे कटजोरी कैंपस क्योंकि वहाँ पे बड़े वाले गणेश जी विराजमान हैं, तो वहाँ पे जाके उनके दर्शन करेंगे। तो आज का पूरा व्लॉग इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेशंस एंड मस्ती, क्योंकि अभी 3 दिन तक हमारी छुट्टी पड़ी हुई है बिकॉज ऑफ गणेश चतुर्थी एंड नुआखाई, विच इज़ अगेन अ फेस्टिवल ऑफ उड़िया पीपल। तो आई एम गोइंग टू एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट बिकॉज बहुत टाइम के बाद 3 दिन की लगातार छुट्टी मिली है। इनफैक्ट एग्जाम्स के बाद भी हमें एक भी छुट्टी नहीं मिली थी, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं ये 3 दिन मेरे लिए। एंड अभी हमारा फेस्ट भी चालू होने वाला है तो पूरे सितंबर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर मोर सच व्लॉग्स एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। तो फाइनली हम गणेश मंदिर पहुँच गए थे विच इज़ नियर आर हॉस्पिटल एंड वहाँ जाके हमने सबसे पहले पुष्पांजलि दी एंड उसके बाद मैंने गणेश जी से थोड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करी एंड उनसे आशीर्वाद लिया ताकि वो मुझे अच्छे से सद्बुद्धि दे और फ्यूचर में आगे बढ़ने का गाइडेंस दे। उसके बाद वी वेंट स्ट्रेट टू द कटजोरी कैंपस एंड ये जो रास्ता भी आप देख रहे हो दिस गोज थ्रू आर हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल की जस्ट अपोजिट ही गणेश मंदिर है एंड हमारे हॉस्पिटल का नाम है प्रद्युमन बाल मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसके अंदर हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है एंड बेसिकली ओपीडी भी यहीं पे होती है। वैसे तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, बट मेन हॉस्पिटल हमारा यही है। तो बीच रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई थी और मौसम ख़राब हो गया था, इसीलिए मुझे फटाफट से भागना पड़ा एंड मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गए थे तो इसलिए मैंने अपने सर पे चुन्नी ओढ़ ली थी। एंड बीच में हम रुके भी थे इस चक्कर में कि थोड़ी बारिश कम हो जाए तो हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही बारिश कम हुई फिर हम कटजोरी कैंपस चले गए एंड वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी कि पैर रखने की तक जगह नहीं थी, बंदे बंदा चढ़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर ब्रांच का बच्चा आ रखा था, चाहे वो मेडिकल का हो या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हो या फिर डेंटल कॉलेज का हो, तो ऑलमोस्ट सब लोग एक जगह इकट्ठे हो रखे थे इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। बट जैसे तैसे हम किसी ना किसी तरीके से भीड़ में धक्का खाते खाते पंडाल तक पहुँच गए थे।
एट लास्ट मैं प्रसाद पे टूट पड़ी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था। एंड हम उसके बाद डायरेक्टली हॉस्टल वापस चले गए थे। तो हमेशा जब भी कोई ना कोई फेस्टिवल होता है तो हमारे मेस में स्पेशल मेन्यू रहता है, तो ब्रेकफास्ट तो मैं कर नहीं पाई थी, बट लंच में आज बना था जीरा राइस, दाल फ्राई, पनीर पसंदीदा, पटोल कुरुमा एंड मिक्स फ्रूट खट्टा एंड क्रिस्पी वेजिटेबल चिप्स, जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा यम लग रहा है बट एवरेज था, ज़्यादा बुरा भी नहीं था बट डिसेंट था। बट द बेस्ट पार्ट इज़ दैट आज के दिन सारा का सारा खाना विदाउट अनियन एंड गार्लिक बनता है, तो अगर किसी को व्रत वगैरह भी रखना हो तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। बस खाना खा के फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए मैंने नैप लिया, एंड मैंने बस एक नैप लेने का सोचा था कि मैं एक घंटा सो जाऊँगी, बट वो एक घंटा कब दो घंटा हुआ मुझे पता भी नहीं चला। एंड मैं अप्रॉक्सीमेटली 4 बजे उठी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो गया था क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा सो गई थी, एंड इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम 1-1.5 घंटा पढ़ाई कर ली जाए। तो मैंने अपना 1.5 घंटे का सेशन किया जिसमें मैंने आज पैथो में रॉबिन्स पढ़ी। मेरा ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं था इसलिए मैंने बस रॉबिन्स का रीडिंग किया था, हीमोडायनेमिक्स वाले चैप्टर का, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको पढ़ चुकी थी बट मुझे उसको रिवाइज़ करे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा कि अभी पढ़ने का इतना मन नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट कम से कम थोड़ा सा रिविजन ही कर लिया जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पढ़ाई की। बाद शाम को हमने प्लान बनाया था बाहर जाने का क्योंकि एज़ यू नो छुट्टी है तो थोड़ा सा फ़न तो करना है, तो इसलिए मैं, मेरी फ्रेंड्स, हम लोग सब बाहर चले गए थे एंड हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी। पास में हमारे वी मार्ट है तो वहाँ पे हमने जाके थोड़ा सा शॉपिंग किया। उसके बाद हम लोगों को भूख लग गई थी तो हम पिज़्ज़ा हट चले गए थे। क्या कर रहे हो तुम लोग इधर? हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं। क्यों? कौन सी खुशी में? तुम दे रही हो पार्टी? नहीं, कोई खुशी की बात नहीं है, तो नहीं, फिर भी तुम्हारी तरफ से ही ट्रीट। अपने लिए सेल्फ पैम्पर अपने आप को करते हैं, किसी की जरूरत नहीं है पैम्पर करने की। अच्छा, सब सेल्फ पैम्पर। तुम एग्री करती हो इस बात पे? बिल्कुल, बन गया तो आ गए, अब पार्टी तो अनु की तरफ से है, मैं भी मान लूंगी ये बात। राइट, बाकी बन गया खाने को पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा पार्टी। एक क्योंकि तुम खुश हो। खुश होती हूँ आजकल, खुश रहती हूँ, उस मिजाज बन गई, वो अच्छी रहती है, वो मूड अच्छा रहता है, तुम्हारा अच्छा होता है, हमारा अच्छा होता है, तो इसी बात पर तुम्हारी तरफ से कम नहीं। दस पार्टी तब होगी जब चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे। ठीक है,